आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। 53 साल बाद पूरी की रथ यात्रा 2 दिनों की रही। आज यात्रा का 2रा दिन है। भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ के रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके हैं। अब रथों पर ही भगवान की पूजा आरती होगी, इसके बाद राजभोग लगेगा। 9 जुलाई को भगवान मंदिर में प्रवेश करेंगे। अगले 7 दिनों तक तीनों रथ यहीं रहेंगे। 11 जुलाई को हेरा पंचमी मनेगी। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी भगवान से मिलने आती है। 15 जुलाई सोमवार को तीनों भगवान अपने रथों में बैठकर मंदिर लौटेंगे। भगवान के मंदिर लौटने वाली यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। कल 7 जुलाई को यात्रा का पहला दिन था। शाम 5 बजे के बाद शुरू हुई रथ यात्रा सूर्यास्त के बाद ही रोक दी गई। भगवान जगन्नाथ का रथ सिर्फ 5 मीटर ही आगे पड़ा था। जगन्नाथ मंदिर के पंचांगकर्ता डॉक्टर ज्योति प्रसाद के मुताबिक हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा 1 दिन की होती है, लेकिन इस बार 2 दिन की है। इससे पहले 1971 में यह यात्रा 2 दिन की थी। तिथियां घटने की वजह से ऐसा हुआ। दरअसल हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को स्नान करवाया जाता है। इसके बाद वे बीमार हो जाते हैं और आषाढ़ कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक बीमार रहते हैं। इस दौरान वे दर्शन नहीं देते। 16वें दिन भगवान का श्रृंगार किया जाता है और नव यौवन के दर्शन होते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से रथ यात्रा शुरू होती है। इस साल तिथियां घटने से आषाढ़ कृष्ण पक्ष में 15 नहीं 13 ही दिन थे। इस वजह से भगवान के ठीक होने का 16वां दिन द्वितीया पर था। इसी तिथि पर रथ यात्रा भी निकाली जाती है। 7 जुलाई को भगवान के ठीक होने के बाद ही पूजन विधियां दिन भर चली। इसी दिन यह रथ यात्रा निकालना जरूरी था। इस वजह से 7 जुलाई की शाम को ही रथ यात्रा शुरू हो गई। यात्रा सूर्यास्त तक ही निकाली जाती है, इसलिए रविवार को रथ सिर्फ 5 मीटर ही खींचा गया। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।